आज इस आभासी मंच पर आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षक गण, अभिभावक गण और प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज युद्ध की विभीषिका से आशंकित विश्व युद्ध की त्रासदी से उत्पन्न पीड़ा को समझ जाएं, क्योंकि युद्ध सदैव दुख, पीड़ा और अवसाद को ही उत्पन्न करता है। आज हम यही भाव धर्मवीर भारती के प्रसिद्ध नाटक अंधा युग के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसके द्वारा हम अमर्यादित और अनैतिक आचरण का विरोध करते हुए कर्म योग का महत्व दर्शाना चाहते हैं। तो आइए देखें महाभारत की पृष्ठभूमि पर लिखा यह नाटक अंधा युग। उन्मुख होंगे, क्षय होगा धीरे धीरे सारी धरती का, सत्ता होगी उनकी जिनकी पूंजी होगी, जिनके नकली चेहरे होंगे केवल उन्हें महत्व मिलेगा, राज शक्तियां लोलुप होगी, जनता उनसे पीड़ित होकर गहन गुफाओं में छिप छिप कर दिन काटेगी, गहन गुफाएं सचमुच किया अपने कुंठित अंतर की। यह अंधा युग जिसमें स्थितियां मनोवृत्तियां आत्माएं सब विकृत है, एक बहुत पतली दूर मर्यादा की, पर वह भी उलझी है दोनों ही पक्षों में, सिर्फ कृष्ण में साहस है जो जारी का, वह है भविष्य का रक्षक, वह है अनासिक, शेष अधिकतर है अंधे, पथभ्रष्ट, आप मुहारा विघ्नित, अपने अंदर की अंध गुफाओं के वासी, यह कथा उन्हीं अंधों की है जिसमें स्थितियां मनोवृत्तियां आत्माएं सब विकृत है, एक बहुत पतली धूल मर्यादा की, पर वह भी उलझी है दोनों ही पक्षों में, सिर्फ कृष्ण में साहस है सुलझाने का, वह है भविष्य का रक्षक, वह है अनासिक, पर शेष अधिकतर है अंधे, पथभ्रष्ट, आत्महारा विद्यत, अपने अंतर की अंध गुफाओं के वासी, यह कथा उन्हीं अंधों की है या कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम। टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, इसको दोनों के पक्षों ने तोड़ा है, पांडव ने कुछ कम और कौरव ने कुछ ज्यादा, यह रक्तपात अब कब समाप्त होना है,
यह अजब युद्ध है, नहीं किसी की भी जय। दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। अंधों से शोभित था युग का सिंहासन। दोनों ही पक्षों में विवेक की हार, दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन, भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया। जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया। द्वापर युग बीत गया। यह महायुद्ध की अंतिम संध्या है, छाए चारों ओर उदासी गहरी। कौरवों के महलों का सोना गलियारा और घूम रहे केवल दो बूढ़े मेहरी। इसलिए नहीं कि कई युद्धों में हमने भी अपना बाहुबल दिखाया, पर इसे केवल हम इन 17 दिनों के लोग भरसक संग्राम में भाले हमारे ये सब निरर्थक पड़ी अंगों पर बोझ बनी रही। रक्षक थे केवल हम, पर रक्षणी कुछ भी नहीं था। रक्षणी कुछ भी नहीं था। संस्कृति है यह एक अंधे और बूढ़े की, जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किए, जिसको अंधेपन में मर्यादा गलित अंग प्रजाजनों को रोगी बनाती थी। उस अंधी संस्कृति, उस रोगी मर्यादा की रक्षा हम करते रहे 17 दिन। सुनते हो कैसी ध्वनि है यह भयावह? सहसा यह अंधियारा क्यों छाने लगा? देखो तो दिख रहा है कुछ? अंधे राजा की प्रजा कहां तक देखे, दिख नहीं पड़ रहा कुछ। हाँ शायद बादल है। बादल नहीं है, विगिध है, लाखों करोड़ों पाखे खोले। सारी कौरव नगरी का आसमान गिद्धों ने घेर लिया। झुक जाओ, धानों के नीचे छिप जाओ, नरभक्षी हैं, वे गिद्ध भूखे हैं। लो ये मुड़ गए कुरुक्षेत्र की दिशा में। मौत कैसे ऊपर से निकल गई पता नहीं चला। अब शगुन ये भयानक वह पता नहीं क्या होगा कटक इस नगरी। है कुरुक्षेत्र से कुछ भी खबर न आई, जीता या हारा बचा खुचा कौरव दल। जाने किसकी लोथों पर जा उतरेगा यह नरभक्षी गिद्धों का भूखा बादल। अंतपुर में मरघट की सी खामोशी, कृष गांधारी बैठी है शीश झुकाए, सिंहासन पर धृतराष्ट्र मौन बैठे हैं। केवल है सारा नजर आज और नगरी में जो की 10-20 लोग बचे हुए अपना मित्र स्वीकार रहे तो दिख रहे हैं। महाराज कौन क्यों है? माता गांधारी आप ही चुप हैं। पर जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। आशंका आपको जो व्यापी है आज, वर्षों पहले हिला गई थी सबको। पहले पर कभी भी तुमने ये नहीं कहा। भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, इसी अंतपुर में आकर कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी मुद्रिका में कौरव मंच को लपेट कर तोड़ डालेगी सूखी लकड़ी सा। पर वह संसार स्वतः अपने अंधेपन में डूब जाता। मैंने अपने ही वैदिक संवेदन से जो जाना था केवल उतना ही था। मेरे लिए वस्तु जगत इंद्र जाल की माया सृष्टि के समान घने गहरे अधियारे में एक काले बिंदु से मेरे मन ने सारे भाव किए थे विकसित। मेरी सब वृत्तियां उसी से प्रचलित थी। मेरा स्नेह, मेरी घृणा, मेरी नीति, मेरा धर्म बिल्कुल मेरा ही वैदिक था। उसमें नैतिकता का कोई बाह्य मापदंड था ही नहीं। कौरव जो मेरी मासलता से उपजे थे वे ही थे अंतिम सत्य, मेरी ममता ही वहां नहीं थी। आपका अंतिम सत्य कौरवों का सैनिक बल जिन्होंने लगा था झूठा और शक्तिहीन। पिछले 17 दिन से एक एक कर पूरे मंच के विनाश का संवाद आप सुनते रहे। मेरे लिए वे संवाद स्वनिरर्थक थे। मैं हूँ जनमान, केवल सुनी तो सकता हूँ। संचय मुझे देते हैं केवल शब्द, उन शब्दों से जो आकर चित्र बनते हैं उनसे मैं अब तक अपरिचित हूँ। कल्पना कर सकता नहीं कैसे दुशासन की आहत छाती से रक्त उबल रहा होगा
ऐसे करो, भीम ने अंजलि में खादार उसे ओट कर दिए होंगे। आज मुझे भान हुआ मेरी वैदिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। आज मुझे भान हुआ सहसा ये होगा कोई बांध टूट गया है। कोटि कोटि योजन तक दहाड़ता हुआ समुद्र मेरे वैदिक अनुमानित सीमे जग को लहरों के विषय जीवाओं से निकलता हुआ मेरे अंतर मन में बैठ गया। सब कुछ बह गया, मेरे अपने वैदिक मूल्य, मेरे निश्चिंत किंतु ज्ञानहीन अवस्थाएं। किंतु इस ज्ञान ने वह ही दिया है विदुर, जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्याप्ति है। भाई है तू, ज्ञान है अधूरा भी। प्रभु ने कहा था जो ज्ञान समर्पित नहीं है अधूरा है। मनोबुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे, ऐसे मुक्त होकर तुम प्राप्त मुझे ही होगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अभी नहीं की मैंने ये बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था। धर्म, नीति, मर्यादा, ये सब है केवल आडंबर मात्र। मैंने ये बार बार देखा था, निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा व्यर्थ से डोलते आए हैं सदा। स्वामी जी, हमारे विवेक का, नैतिकता, मर्यादा, ये सब है अधिक प्रवृत्तियों की पोशाके, जिनमें कटे कपड़ों की आंखें सिली रहती है। मुझको इस झूठे आडंबर से नफरत थी, इसलिए स्वेच्छा से मैंने इन आंखों पर पट्टी चढ़ा रखी थी। मैंने मापा था नक्षत्रों की गति को, तारा धर्म को, मानव नीति के अलिखित अक्षर जानते थे। मैं था ज्योतिषी दूर देश का, दूसरा भविष्य मात्र। मेरे शब्दों का इस वर्तमान में कोई मूल्य नहीं। मेरे में से जाने कितने दूसरे भविष्य बस स्वप्न वाले तत्व दिखने हैं फौरव की नजरी में गली गली। माता है गंधारी, ममता में पार रही है सब। है वो दुर्योधन की अब भी मैं क्यों हूँ, मृत हूँ, थका हूँ, पर जाकर कहूँगा मैं नहीं है पराजित दुर्योधन की। इसको तुम मानो नए सत्य की उदय मिला। मैंने बताया था दुर्योधन को झूठा भविष्य, अब जाकर उसको बतलाऊंगा वर्तमान से स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं। अब भी समय है दुर्योधन, समय अब भी है, हर क्षण इतिहास बदलने का समय होता है। आसन्न पराजय वाली इस नगरी में सब नष्ट हुई पद्धतियां धीमे धीमे। यह शाम पराजय की, भय की, संशय की, भर गए तिमिर से यह सुने गलियारे। जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक का है भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। अंदर केवल दो बुझते लपटे बाकी, राजा के अंधे दर्शन की बारी की, या अंधी आशा माता गंधारी की। वह संजय जिसको यह वरदान मिला है, जो अमर रहेगा और तटस्थ रहेगा, जो दिव्य दृष्टि से सब देखेगा, जो अंधे राजा से सब सत्य कहेगा, जो मुक्त रहेगा ब्रह्मास्त्रों के भय से, जो मुक्त रहेगा उलझन से, संशय से। वह संजय भी इस मोह निशा से घिरकर है भटक रहा, जाने किस कंटक पथ पर, जाने किस कंटक पथ पर। संजय तटस्थ दृष्टा शब्दों का शिल्पी है, पर वह भी भटक गया असमंजस के वन में। दायित्व ग्रहण, भाषा अपूर्ण, श्रोता अंधे, पर सत्य वही देगा संकट क्षण में। वह संजय भी इस मोह निशा से घिरकर है भटक रहा, जाने किस कंटक पथ पर, जाने किस कंटक पथ पर। भटक गया हूँ मैं जाने किस कंटक पर, पता नहीं कितनी दूर हस्तिनापुर कैसे पहुंचूंगा मैं, जाकर कहूंगा क्या। इस लज्जाजनक पराजय के बाद भी क्यों जीवित बचा हूँ मैं, कैसे कहूँ मैं। शब्दों की कमी नहीं है मेरे पास, मैंने ही बताया युग में घटा रोजों। लेकिन आज अंतिम पराजय के अनुभव ने तो जैसे प्रकृति ही बदल दे सकते थे, आज कैसे वही शब्द वाहक बनेंगे इस नूतन अनुभूति के। जीवित हूँ पर आज जब कोसों तक फैली हुई धरती को पाट दिया अर्जुन ने, भूलुटित कौरव का बंदों से,
शेष नहीं रहा एक भी जीवित कौरव वीर। सात्यकी ने मेरे भी पद के लिए उठाया था अस्त्र, लेकिन कहा व्यास ने मरेगा नहीं, संजय तू अवध्य है। ये कैसा शाप व्यास ने मुझे दे दिया अनजाने में। किसने मारा मुझे? मैं तो विधवा है, मेरा ही प्रभु। सब उच्छृंखलता दुर्योधन की, आज मुझे इतनी ही घृणा तो ना मिलती अपने ही परिवार में। माँ बाहें फैलाती, चाहे पराजित ही मेरा माथा होता। इसीलिए देखकर मुझे आता बंद कर लिए पट नागरिकों ने। सबने कहा ये है मायावी शिक्षु बक्षी दैत्याकार। अब ये माँ की कटुता और घृणा प्रजाओं की क्या मुझे अंदर से बल देगी? अंतिम परिणीति में दोनों जर्जर ही करते हैं। पक्ष चाहे सत्य का हो या असत्य का, मुझे क्या मिला विदुर, मुझे क्या मिला? पता नहीं मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा निशस्त्र, इन तीन आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को। कुचले हुए सांप सा भयावह है, किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है। यह जैसा है मेरा मन, किसके बल पर लूंगा मैं प्रतिशोध अपने पिता की निर्मम हत्या का। वन में भयानक, इस वन में भी भूल नहीं पाता हूँ मैं कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया। शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने रणभूमि में, उनको दिए का रास्ता युधिष्ठिर की वाणी में। पाकर नियता उन्हें पापी दृष्टि द्युम्न ने अस्त्रों से खंड खंड कर डाला। भूल नहीं पाता हूँ मेरे पिता दया पर आजे, अर्ध सत्य से ही युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर दुर्योधन था, कोमलतम था, उसकी भी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर डाली। धर्मराज होकर मैं बोले, नर या कुंजर, मानव को पशु से पृथक नहीं किया उन्होंने। उस दिन से मैं भी हूँ एक पशु मात्र, एक अंधे बर्बर पशु सा, किंतु आज भी मैं एक अंधी गुफा में हूँ, भटक गया हूँ, गुफा यह पराजयगी। दुर्योधन सुनो, सुनो द्रोण सुनो, मैं यह तुम्हारा अश्वत्थामा कायर अश्वत्थामा से सुनू। जैसे रोगी मृदे के मुख में शेप रहता है, शेप हूँ अभी तक मैं, आत्मघात कर लू इस नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर। यदि मुझे पिछली नरकामी में भी उबलना पड़े तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी, किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं एक अंधे बर्बर पशु सा। वाणी हो सत्य धर्मराज की, मेरी इन पसलियों के नीचे दो पंजे उगाए, मेरे ये आंखों की बुद्धियां बिन दांतों के चौंक खाए, पाए जिसे वध केवल वध केवल वध अंतिम अर्थ बने मेरे अस्तित्व का। आता है कोई, शायद पांडव ही होता है, बारा अकेला निहत्था है, पीछे से छिपकर इस पर करूंगा वार। इन भूखे हाथों से धनुष मरोड़ा है, इसकी गर्दन मरोड़ूंगा। सुनते हो पिता, मैं इस प्रतिहिंसा में बिल्कुल अकेला हूं। तुमको मारा दृष्टिद्युम्न ने अधर्म से, दुर्योधन को मारा भीम ने अधर्म से, किंतु इस पूरी दुनिया की मर्यादा बुद्धि इस निकट अनाथ अश्वत्थामा पर ही लादी जाती है। दूसरा पथ पांडवों ने क्या कोई दूसरा पथ छोड़ा है? पांडवों की मर्यादा मैंने देखी राजपुरम युद्ध में, कैसे अधर्म युक्त वार से भीम ने दुर्योधन को नीचे गिरा दिया। टूटी टांगों, टूटी कोहनी, टूटी गर्दन वाले दुर्योधन के माथे पर रखकर पांव पूरे बोझ डाले हुए भीम ने बाहें फैलाकर पशुपत को नाथ किया। जब तक प्रतिशोध का न रोके संवाद मुझे, तब तक जीवित रहूंगा मैं, चाहे मेरे अंग अंग ये सारे बन पशु चबा जाए। सुनते हो केतवर्मा, कल तक मैं लूंगा प्रतिशोध। सेना यदि छोड़ जाए तब भी अकेला मैं। सो जाओ आज रात सैनिकगण, कल सेनापति अश्वत्थामा बदलाएगा।
चक्रवेशधारी विराट श्रीलंका के शिवद्वार पर दिखे अश्वत्थामा को अनगिनत विष भरे सांप बुझाओं पर भांति वह रूप रूप अग्नि महाप्रलय साधे जो शिवद्वार पर दिखे अश्वत्थामा को बोले जैसे प्रलय मेघ गर्जन स्वर मुझको पहले जीतो तब जाओ अंदर युद्ध की अश्वत्थामा ने पहले और कौन जो दिव्यास्त्रों को सहले शिव शक्ति प्राप्त नाराज बनाए सारे नेत्रों ने तो अश्वत्थामा ने मारे वे उनके एक रोम में समा गई सब वह हार मान बंधना लगा करना नहीं किया था कंकाल
गाइए। इन दिन पर तुम्हारी ही नींद ने अधर्म किया। क्यों नहीं तुमने शाप दिया भीम को, जो तुमने दिया निर्बला हाथ अश्वत्थामा को। माता, प्रभु हो या परात पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा, सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योग थे मैं वहन करूंगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में और कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूँ करोड़ों बार। जो भी सैनिक भूमिशाही होता था, मैं और कोई नहीं, मैं ही था। जिसका था कि वो बनकर बहूंगा, मैं ही युवांतर तक, मैं ही जीवन हूँ। तो मृत्यु भी तो मैं ही हुआ, स्वाद है तुम्हारा विचार। क्या किया तुमने रोहिणी में अपने सौ पुत्रों के लिए, लेकिन कृष्ण तुम पर मेरी ममता अंगार है। पर मेरे शाप ने मेरा दोष स्वीकार, तो क्या मुझे दुख होता। मैं थी व्यास, मैं खुद थी पुत्र की ना थी। ऐसा मत तो हो माता, जब तक मैं जीवित हूँ पुत्र की ना नहीं हो। प्रभु हो या पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। स्वीकार किया है श्राप कृष्ण ने जिस क्षण से, उस क्षण से ज्योति सितारों की पड़ गई मन, युग युग की संचित मर्यादा निष्प्रमाण हुई, शिथिल हो गए कवियों के सब मान शाम। यह श्राप सुना सबने, पर भय के मारे माता गांधारी से कुछ नहीं कहा। पर युग संध्या की कुंशित छाया जैसे यह श्राप सबके मन में। इस प्रकार कुछ समय पश्चात श्री कृष्ण के महाप्रयाण के साथ ही द्वापर का अंत हुआ। अभीष्ट की प्राप्ति व सत्य का अन्वेषण स्वयं में ही एक युग है, और यही से सृजन का शंखनाद होता है। ऐसा शंखनाद जिसकी अनुभूत समस्त विश्व को झनकृत कर रही है। विश्व की पुकार है, यह भागवत का सार है। युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है, जो लड़ सका वही तो महान है। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज, चंद्र की घड़ी के तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज, चंद्र की घड़ी के तुम गुहार दो। आन मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज, जंग की घड़ी के तुम गुहार दो। आन बान शान या के जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है।
मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। पौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। इस प्रकार हुआ एक युग का अंत और हुआ एक नव शवारंग शुभारंभ। अब मैं अनुरोध करती हूँ प्रधानाचार्य जी से कि वे आए और अपने विचार प्रकट करें। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, ऑल द व्यूअर्स, जजेस, टीचर्स। आई एम स्पीचलेस। इससे अच्छा शायद कुछ हो ही नहीं सकता बेटा, जो आपने करके दिखाया है नृत्य नाटिका के माध्यम से, जो टीचर्स ने आपसे करवा लिया और जो आपने किया, तो अनबिलीवेबल। वी सैल्यूट यू योर स्किल्स। आप कैसे हमें ले गए हैं वहां हमारी संस्कृति में, और कैसे आपने सेट्स के माध्यम से दर्शाया सब कुछ, और कैसे आपके पेरेंट्स ने ये ड्रेसेस अरेंज की होगी इस टाइम में जब इतनी ज्यादा हमारे लिए चैलेंजेस हैं, कैसे मेकअप किया होगा आप लोगों ने। ये एक तरह से हमारा छोटा सा जैसे एनुअल डे की प्रस्तुति होती है ना, जो बैले करते हैं, उससे कम नहीं था। तो आपने अंतर्द्वंद की सारी वो दिखाई, और आपने दिखाया सबको, ये बताया कैसे ईर्षा द्वेष जो है हमें नाश की तरफ ले जाता है, और अंतर्द्वंद का युद्ध तो हमेशा चलता रहेगा, सदियों से चलता आया है और चलता रहेगा। उसमें से कैसे हम पार जा सकते हैं, कैसे हम उसको रोक सकते हैं, या कैसे वो विनाश का कारण बन सकता है। बहुत बहुत ही अच्छा कराया आपने सुशीला मैम, वंदना मैम। सो और जो बच्चों ने किया, बच्चे मेरे सामने नहीं है, मैं उनसे मिल भी नहीं सकती हूँ, बट बच्चों आप लोगों ने बहुत बहुत अच्छी प्रस्तुति की है। इतने लंबे लंबे डायलॉग आप लोगों ने याद किए, और आपने कैसे उसको प्रस्तुत किया, और कहीं पे कोई कमी नहीं छोड़ी आपने। वेरी वेल डन, वेरी वेल प्रेजेंटेड, हम तो एक बोल सकते हैं, बट आपने जितनी मेहनत की है दैट इज आउटस्टैंडिंग, अनबिलीवेबल। बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया, आप सब बधाई के पात्र हैं, और आप हमें उस युग में ले गए, और उस युग से आप हमें वापस लेके आए। हम तो उस युग में पहुंच चुके हैं, और बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा किया बेटा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स ऑफ विजडम। Your guidance and valuable suggestions always take us to the path of the best, and we have done it. Now, I would like to invite Sandeep ma'am to express her views. Over to Sandeep. Koi view nahi, sirf compliments. It was umda. Itni shuddh bhasha, aur bachchon ne kar bhi dali. So it is, as ma'am has said, salute to the students. जिन्होंने आज के टाइम में, जब उनकी हिंदी इतनी टूटी फूटी हो गई है, उसमें इन्होंने अकेले बैठे घरों में याद किए और उसको परफॉर्म किया, मैजेस्टिक। इट वाज महाभारत रीलिव्ड। लव बी आर चोपड़ा से कम काम नहीं था ये। कंग्रेचुलेशंस एवरीबॉडी। थैंक यू संदीप मैम। हमारे बीच में पांडे मैम है, मैं पांडे मैम को चाहूंगी आए और अपना आशीर्वाद हमें दें। पांडे मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्ते। बच्चों, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, घर बैठे हमने बैले का आनंद ले लिया। वाकई। और इस संबंध में बस यही कहूंगी, अंध भौतिकता बड़ी है स्वर्ण छाया धड़कनों पर, मृत हुई संवेदनाएं बन गया पाषाण घर। आपने उस अंधे युग की बात की जब प्रत्येक व्यक्ति काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसा हुआ, अपनी अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए है, मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहा है, नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति हो जाती है। लेकिन हमें उससे सीखना है और आगे बढ़ना है। हम सबको अपने मन में सत्य और विश्वास की ज्योति जगानी है, ताकि वो पट्टी हटे और सबके मन में आशा की ज्योति जागृत हो।
तो बिल्कुल उस युग से सीख लेकर हमने आगे बढ़ना है। बहुत ही सुंदर और भावुक प्रस्तुति। थैंक यू पांडे मैम। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर सुनीत अरोड़ा। सर प्लीज। या थैंक यू मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी हु इज वाचिंग एंड हु हैज पार्टिसिपेटेड। फिलहाल तो मेरे पास भी कोई शब्द नहीं है सही में। मेरे तो अभी भी गूज बॉम्ब्स हैं। आई हैव गॉन टू अ प्लेस वेयर आई वाज नॉट, आई वाज टोटली इनटू साइंस एंड आई टोटली बैक टू रणभूमि एंड स्पेसिफिकली दोस डेज जब इतना बड़ा लोगो आता था करे युग का नया प्रारंभ महाभारत करके पूरा एक वो लोगो आता था। वो पूरा महाभारत का सीरियल एपिसोड सारे एकदम आंखों के सामने ऐसे जा रहे थे जैसे मैं अपने टाइम पे वो महाभारत देख रहा हूँ। एंड इट वॉज, इसमें सबसे अच्छी बात ये थी ना, ये एकदम बहुत ज्यादा मैसेज ओरिएंटेड था। मतलब हाउ दिस ऑल दिस एंगर है, जितना क्रोध ये मोह जितना हम लेके बैठे ये कहाँ हमें लेके जाएगा, किस विनाश की तरफ हमें अग्रसित कर रहा है ना, वो सारा जो इसमें दिख रहा था दैट वॉज टोटली अडोरेबल। मैं से एक ही चीज कहूंगा, जितने लोग यहाँ प्रेजेंट है क्या एक बार क्लैप कर सकते हैं फॉर ऑल द किड्स एंड टीचर्स, फॉर ऑल द किड्स एंड टीचर्स। मतलब सब इसके पात्र हैं। इतना अच्छा किया है सबने और इतना कोऑर्डिनेशन, इतना सबका आपस में मेलजोल। और एक बात जो संदीप बनने की बाकी, आज के डेट में जब हिंदी बोलनी इतनी मुश्किल हो जाती है और सारी एवरीबॉडी इज रनिंग आफ्टर इंग्लिश आइदर बिकॉज ऑफ कैरियर या ऐसी हमारा एनवायरमेंट हो गया या जो भी है, किसी को ये भी नहीं पता उसका मूल भाषा क्या है, वो पंजाबी है सिंधी है गुजराती है, सब इंग्लिश के पीछे भागते हैं। इस टाइम पे इतना बड़ा डायलॉग बोलना और इतनी कुशलता से बोलना, इट वॉज ऑल एवरी सिंगल वर्ड वॉज क्लियर एंड आउट। ऐसा कोई नहीं था कहीं भी लग रहा हो किसी को इतना ज्यादा दिक्कत आ रही हो बोलने में, सब इतने इजिली बोल रहे थे। फॉर मी इट वॉज रियली आई वॉश वेरी 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 वेल डन। थैंक यू ऑल। तो सुनीत, वी कैन प्राउडली से आवर डायरेक्टर्स एक्टर्स ओरेटर्स ये बच्चे सब कुछ है और हर भाषा में ये उत्तम है, हर एरिया में ये उत्तम है, चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो हमारी संस्कृति हो, चाहे वो योग हो, चाहे कुछ भी कोई भी स्किल हो, इनको एक प्रॉपर डायरेक्शन जब मिलती है विद द हेल्प ऑफ टीचर्स एंड पेरेंट्स, सो देन दे आर अनस्टॉपेबल। या ये बिल्कुल सही है। ये जितना भी टीचर्स ने जितनी भी मेहनत की है, मतलब शेप दी है, एक मूर्तिकार जैसे मूर्ति को शेप देते ना, बिल्कुल सेम रंग निकल के आया। और जो मैंने बोला कि ये हम दो साल से हमारे लिए चैलेंज था, हम इसको डिस्कस करते थे क्योंकि हम हमेशा एक्सपो के टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो इसको हम डिस्कस करके छोड़ देते थे कि नहीं बच्चे कर लो देते थे, बट इस बार बोला कि नहीं करना है और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे किया बच्चों ने और मैडम ने करवाया, तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर इंस्पायरिंग थॉट्स। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट निशी मैम। हेलो बच्चों, धर्मवीर भारती की इतनी अच्छी रचना को तुमने इतने अच्छे से प्रेजेंट किया है कि हम लोग को तो ऐसे लगा कि महाभारत देख रहे हैं बैठ के इतने अच्छे से। कैसे तो इनकी मम्मी लोग ने अरेंजमेंट किया है कपड़ों का और इतना मैम लोग ने ऐसे डायलॉग बोले हैं कि जैसे लग रहा है सही में पूरा का पूरा सीरियल हम लोग की आंखों के आगे घूम रहा है। बहुत ही अच्छा किया है, आगे बढ़ते रहो ऐसे ही करते रहो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम। नाउ आई इनवाइट मिसेस ओबेरॉय टू जस्ट एक्सचेंज द व्यूज। थैंक यू मैम। आप सबका सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये सब वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर है, बिकॉज बहुत हमेशा थैंक यू बोलती हूँ की जहाँ आप एक तरफ बच्चों को आसमान की ऊंचाइयां दिखा रहे हैं, उन्हें इस तरह के प्लेस और इस तरह की बातें करके बच्चों को जड़ों से जुड़ना आप सिखा रहे हो, तो इसके लिए बच्चों के लिए बहुत ही अप्रेस करती हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों ने भी बहुत मेहनत करी है इसमें। मैं समझती हूँ सुशीला मैम को साथ काम किया है मैंने भी, इतना मेन मैम लेते हैं बच्चों को लेकर, कोई जैसे आप बोल रहे हैं कि इंग्लिश
हिंदी स्पीकिंग पे इतना ज्यादा जोर होता है, बच्चों को वो प्रोनाउंस हिंदी के वर्ड्स प्रोनाउंस कराने पर टीचर्स की ज्यादा मेहनत होती है। बट शी रियली डिड अ वेरी गुड जॉब एंड बच्चों ने भी कर दिया। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ऑल हम सेफ है, हम लोगों के बच्चे आप लोगों के अंदर। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Now I invite Vanna, ma'am. Vanna, ma'am, please connect with the parents. Now I invite Mrs. Vandana Gupta. Please share your views about this demonstration. Mrs. Vandana Gupta. Yes, ma'am. I'm here. Hello. Hello, Namaskar, ma'am. Namaskar, ma'am. Respected principal ma'am, all the dear teachers, fellow parents, and dear children. I actually got goosebumps watching the script that all of you have put together, and you have worked so very hard, worked sitting in your home, worked from your home, day and night to make it possible in these unprecedented times of COVID pandemic. Indeed, incredible. Right from conceiving the incredible idea, this particular idea actually appealed a lot to me. To its execution, everything is nothing short of perfection. Thank you all the teachers, especially Vandana ma'am, Sheila ma'am, and all the others who are involved, for your efforts in guiding the children for this very creative, highly creative piece of work, which I'm sure they will cherish for their lifetime and will probably have a story to tell to their next generation about this era, this particular era that they are going through, and how they prepared the script and then they presented, and everybody appreciated the script so much. And it actually gave them, they should, like this script, they make them more aware of the disasters that a war can lead to. So thank you all. Thank you, teachers, so much. Thank you from the bottom of my heart. I have seen all of you working day and night. Thanks. Thank you, ma'am, for your inspiring words. Thank you. Now I request Mrs. Poonam Sharma, please share your views. Mrs. Poonam Sharma. Good morning, everyone. Good morning. I'm feeling very grateful that our kids are studying in this DLDAV Pitampura. And I am so glad. I'm feeling so nice. And I want to say that when roots are stronger, trees hold upright, flourish and spread its benefit to all. I must say our principal ma'am, who is acting as a root for DLDAV, will give it a fame by producing more bright students. And thanks to all the teachers for their support. Without them, nothing is possible. Thanks to all. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Now I request Nishant Mishra, the student of my class. Please share your views. Good morning to respected teachers, principal ma'am. Good morning, beta. Apna video on kariye. Nishant, please video on kariye. Yes, ma'am. Yes, Nishant. Yes. Ma'am, I would like to share my experience as a actor as well as a technician person in the expo. First, when I started the acting, I think I would not be able to complete it. As ma'am, I have never done acting in, before this. Ma'am, I would like to thank Sushila ma'am and Vandana ma'am. Ma'am, they both help us a lot. Ma'am, without them, I think we would not be able to complete the expo. Ma'am, I feel very fearful when I started acting. Ma'am, but Roma ma'am, Sally ma'am and Sandeep ma'am, they increased our morale when they tell us that we can do it. So ma'am, I would like to thank all the teachers and ma'am, my friends who also helped me. Very good, beta. बहुत अच्छा किया आपने और आप सबको हमने जितनी आपकी internal assessments के grades है ना सब full 20 out of 20 in all the areas. All the students, those who are participating, I have spoken to your teachers because this is a real learning.
जो एक बुक से पढ़ के आप कहीं पे लिखते हो ना, वो तो एक अलग चीज है, अलग प्लेटफॉर्म है, बट ये जो आप करते हो ना बेटा, इसके लिए बहुत बड़े चैलेंज मैं आपको देती हूँ, और आप सब करते हो, और जब करके निकलते हो ना, तो फिर जो आप सीखते हो, जो आप कभी भूलोगे नहीं, ये रियल लर्निंग है आप लोगों के लिए, और अपना पोटेंशियल देख के आपको कितना अच्छा लग रहा है आज। आई एम फीलिंग सो हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू एंड फॉर योर पेरेंट्स ऑल्सो। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। नाउ आई इनवाइट कपिल गर्ग टू कम फॉरवर्ड। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड मैम एंड प्रिंसिपल मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कपिल। मैम आई एम वेरी ऑनर्ड टू से दैट मैम आई कांट बिलीव दैट आई कैन पार्टिसिपेट इन एक्सपो। मैम वंदना मैम एंड सुशीला मैम, मैम उन्होंने हमें बहुत ज्यादा वो किया, प्रोत्साहित कि हम पार्टिसिपेट कर सके और अपने आप को प्रो कर सके। मैम एक एक्सपो एक ऐसी चीज है जिसमें सारे बच्चे अपने टैलेंट को उभारते हैं। एंड थैंक यू शैली मैम एंड रोमा मैम कि उन्होंने हमें टेक्निकल टीम में इतना ज्यादा हेल्प किया, जिससे हम बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ ठीक कर पाए। थैंक यू बच्चों, हमारा यही मोटिव था मेरा कि आपको हम डिप्राइव ना करें। अगले साल आप 11th क्लास में चले जाओगे, तो आप एक्सपो से डिप्राइव हो जाओगे, जो हम हर साल करते हैं। तो सोचा कि आपको चलो चैलेंज देते हैं वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे, और आपने इतना अच्छा किया जो शायद फिजिकली भी हम नहीं करते थे। Yes, आपको भी लगता होगा आप 3 साल से करते आ रहे हैं, तो और कितना कुछ सीखा आपने। सो दैट वाज द मेन मोटिव। एंड मैम हमें महाभारत की कुछ स्कूल भी पता चले। यस यस, अपनी संस्कृति से जुड़ना बहुत जरूरी है। हम इंग्लिश सीखे वो जरूरी है एक अलग तरीके के लिए, बट ये हमें सीखना बहुत जरूरी है ताकि हम अच्छे इंसान बन सके, हम अपने ऊपर गर्व महसूस कर सके कि हम इंडियन है। yes, ठीक है ना। गुड। हिस्ट्री रची है आप लोगों ने, इतिहास रचा है ये परफॉर्मेंस करके, है ना, जो आप कभी भूलोगे नहीं और हमेशा याद रखोगे कि हमने ये काम इस टाइम में किया था। थैंक यू मैम। नाउ जानवी, जानवी अरोड़ा। आपके बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। यस आइए आइए। यस गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड टीचर, दिस वर्चुअल एक्सपो वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड दिस एक्सपो इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ स्ट्रगल ऑफ टीचर्स स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स। आई अप्रिशिएट दैट एंड दिस वाज द ओनली सोर्स बाय व्हिच वी कैन बी कनेक्टेड ओवर दिस। Google Meet or virtual meetings are the only source we can be connected with our expo, with our teachers. And throughout our expo, Sushila ma'am and Vanna ma'am helped us a lot. Shelly ma'am also helped us as a technical team member. Thank you for appreciating us. Thank you for your good words, ma'am. You have shown everything is possible in all the circumstances. Together we can do everything. Hello? Yes. Thank you, ma'am. Now over to Roma, ma'am. Now I would like to invite Ashni to give the vote of thanks. Ashni, bete, come forward. Honorable Principal, ma'am. Yes, Ashni. Honorable Principal Ma'am, respected teachers, our most valued invited guests, ladies and gentlemen, it's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. I, on behalf of the entire team of Class 10th F, crew, let me call it fraternity here together, extend a very hearty vote of thanks to all spectators for gracing our work. I wish to express my utmost gratitude to our Principal Ma'am for lending us the platform and this golden opportunity to arrange this spectacle and exhibit our budding talent and teamwork. I am also very grateful to Mrs. Sandeep Gulati ma'am to encourage us for the same and acknowledge our efforts. I must mention our deep sense of appreciation and gratitude to Roma ma'am and Shelly ma'am for the appraisal. Finally, I would like to take this opportunity to place on record our hearty thanks to Mrs. Sushila and Mrs. Vandana Mata ma'am for their support day in and day out and guidance they extended to all of us. I also extend my thanks to the entire team, the logistics, the techs, for their enormous cooperation in the organization of this event. Well done. Now we all join for the Shanti part. Thank you.
शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरो षधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेधि ओम शांति 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 ओके नाउ थैंक यू एवरीवन आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दी स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स यू हैव डन वेरी वेल एंड यू हैव जस्ट रिमाइंडेड अस ऑफ आवर हिस्ट्री दिस प्रेजेंटेशन हैज कन्वेड अस ऑल वी हैव टू लिव एंड डाई बाय आवर कार्मिक साइकिल दैट वर्क्स द परफेक्ट रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट कॉज एंड इफेक्ट कंडक्ट ऑफ द यूनिवर्स सो आई कंक्लूड हियर एंड वी आर गोइंग टू मीट सून फॉर आवर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस Goodbye.